गरीब तबके के लोगों के लिए दो समय का खाना निर्धारित किया गया। आपके घर की स्थिति क्या है? न बाबू है, न माँ है, कोई नहीं। कोई नहीं है। खेसारी कुमार। पापा जी क्या करते हैं? पापा जी काम करते हैं। मजदूर हैं? मजदूर है। मजदूर हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज में, और मैं हूँ आपके साथ बंटी कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के बीएल इंटर स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है आपदा राहत, जो है आप देख सकते हैं हमारी तस्वीर में, आपदा राहत केंद्र सामुदायिक रसोई जो है बीएल हाई स्कूल में बनाया गया। आज इनकी जायजा लेने हम पहुँच चुके हैं। आइए हम चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किन किन वर्गों के लिए जो है यहाँ पर आपदा राहत रसोई केंद्र में जो है व्यवस्था किया गया है। तो कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं बच्चे हैं, गरीब तत्व के लोगों भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मतलब उत्साहित हैं बच्चे और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से हैं बच्चे हैं, युवा वर्ग भी हैं जो काफ़ी मतलब उत्साहित हैं आपदा राहत केंद्र में जो है भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कार्तिक कुमार देश प्रेम। घर? गोसाई टोला मुरलीगंज। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। बेरोजगार हैं? हाँ। यहाँ पे जो आप आए हैं, कई बार आपको खाना मिल रहा है? हाँ, मैं फर्स्ट बार खा रहे हैं जो है। आपके घर की स्थिति क्या है? न बाबू है, न माँ है, कोई नहीं। कोई नहीं है। कोई तो ये बेचारा, इनके यहाँ कोई भी नहीं है, खाना पीना में काफ़ी इन्हें दिक्कत होती है। और ये जो इनका कहना है कि जब से आपदा राहत केंद्र रसोई केंद्र यहाँ पे खुली है, यहाँ पर आकर के और हम भोजन ग्रहण करते हैं। और भी देख रहे हैं काफ़ी बच्चे लोग हैं जो काफ़ी मतलब उत्साहित हैं। और सुधांशु कुमार यहाँ पे अभी बहुत अच्छा लग रहा है जी। इससे पहले पहली बार खा रहा है? इससे पहले भी खाया? पहली बार खा रहे हैं। पहली बार। घर कहाँ हुआ? स्टेशन टोला। क्या करते हैं आपके पिताजी? काम करते हैं। काम मजदूरी जी। क्या नाम बताए पापा का? निर्मल शर्मा जी के पुत्र हैं जो काफी उत्साहित हैं और भोजन यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अविनाश खेसारी कुमार। पापा जी क्या करते हैं? पापा जी काम करते हैं। मजदूर हैं? मजदूर हैं। अभी आप यहाँ पे भोजन करने आए हैं ना? हाँ। कई बार भोजन यहाँ पे मिलता है आपको? दो बार। हाँ। तो यहाँ पर जो है दो बार भोजन का व्यवस्था किया गया। काफ़ी मतलब गरीब तत्व के बच्चे हैं यहाँ पर और भोजन कर रहे हैं, सुबह में और शाम में आके जो यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? परमानंद दास। हाँ। घर मुरलीगंज। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ। तो ये भी एक मजदूर वर्ग के हैं जो काफ़ी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी निम्न वर्ग के लोग हैं और यहाँ पर जो है भोजन कर रहे हैं, जो है बच्चे हैं जिन्हें भोजन में दिक्कत या मतलब हालांकि हम कह सकते हैं कि कठिनाई, तो आज यहाँ पर जो है आकर के और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। काफ़ी उत्साहित है बच्चे, उत्साहित होकर के यहाँ पर भोजन ग्रहण करें। चलिए हम चलते हैं और जो है दिखिए व्यवस्था है यहाँ पर। अब हम आपको दिखाते हैं, सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। जो है ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर पापड़ हैं और भी हैं, हम अंदर जाके दिखाते हैं आप जो है अच्छी। ये आप देख सकते हैं कि ये दाल हैं जो यहाँ पर दिखाएंगे। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि यहाँ पर आकर और जो है सीधी तस्वीर लेके दिखाए दर्शकों को। जो ये चावल हैं और ये शायद सब्जी हैं। क्या सब्जी है ना? क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। घर? घर मुरलीगंज जरामपुर। जरामपुर वार्ड नंबर 5। 5 पड़ता है। क्या करते हैं आपके पिताजी? काम कर रहे हैं। काम मजदूर हैं? हाँ। तो ये आप यहाँ पे आके काम करते हैं? हाँ। क्या कुछ मिलता है आपको यहाँ से? 300 रुपया। 300 रुपया पर डे। तो ये यहाँ पे स्टाफ हैं जो 300 रुपया इन्हें मिलते हैं, मजदूर हैं। चलिए अब हम यहाँ के व्यवस्था जिनके निगरानी में ये कार्य हो रहा है, अब हम उनसे बात करेंगे। चलिए हम वहाँ पे हैं और हम आपको दिखाते हैं। सर स्वागत है आपका लाइव में। थैंक्स सर। एक अच्छी पहल है यहाँ पर जो है बिहार सरकार जो की है, निम्न वर्ग गरीब तत्व के लोग यहाँ पे भोजन आके ग्रहण करते हैं। जैसे हमने पूछा कि कई इसमें मजदूर वर्ग के भी लोग हैं, तो सर इसके लिए जो विधि व्यवस्था की गई है, क्या टाइम मतलब खाना का निर्धारित समय किया गया? यहाँ पर गरीब तबके के लोगों के लिए दो समय का खाना निर्धारित किया गया है, दोपहर का भोजन और रात का भोजन। रात का जी। तो क्या नाम बताया सर अपना? कुमार नीरज जी। यहाँ पे जो है एक शिक्षक के तौर पर मुझे यहाँ निगरानी हेतु यहाँ रखा। तो और भी है, हम इनसे भी बात करेंगे। जो है सबसे पहले तो आपका लाइव सिटीज में स्वागत है। धन्यवाद। जो है यहाँ पे क्या नाम बताया अपना? सुमन कुमार। जो है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे किन किन वर्ग के लोगों को यहाँ पे भोजन मिल रहा है? यहाँ पे वैसे वर्ग के लोग जो कि मजदूर वर्ग में आते हैं या फिर
जिन जो जिनका दिनचर्या डेली कमाने और खाने का है जी। वैसे लोग जो अभी लॉकडाउन में पूरी तरह से त्रस्त हैं जी। वैसे लोगों के लिए बिहार सरकार की तरफ से सामुदायिक किचन का व्यवस्था की गई है जी। जो कि हमारे यहाँ के अंचल अधिकारी की देखरेख में हो रही है। तो ये जो है कैमरामैन पिंटू के साथ लाइव सिटी।